मात्र जुबान आपकी पहचान। जिस्मानी ताल्लुकात रखने की बार बार कोशिश करना कामयाब होने पर न्यूज़पेपर में मेरी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की शिकायत एक न्यूज़पेपर के एडिटर के खिलाफ बालासोर कलेक्टर और एसपी के सामने एक लेडी टीचर ने की है और कहा है कि जल्द ही इस एडिटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। टीचर ने कहा कि मेरे शौहर के दोस्त कहकर बार बार मेरे घर आते और मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते थे। लेडी टीचर और उनके रिश्तेदारों ने कहा कि कुछ दिन कबल ही टीचर के साथ बदसलूकी करने के साथ ही जान से मार देने की धमकी भी दिए थे। एडिटर के खिलाफ टीचर ने सौदेवकुंटा थाना में शिकायत भी दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस सिर्फ केस नंबर 327/2020 दर्ज कर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रकार सिखेगी घरे नहीं रखी आगुरी भी मत 2018 मसीह अक्टोबर 11 तारीख पाखर सी मो सा बहुत सेक्सुआल हेरासमेंट विभिन्न जमी कथा राजी नहली सी मो हजबैंड को सिखेगी घरे रखी आहरी विभिन्न प्रकार मोर गोटे डक्टरेट भिडियो को चारिड़े पूरा समाज में भाइराल कर लगे मुझे टीचर मोर पूरा इमेज मोर ये को सब रखे आम गोटे जो जगार घर में रही टुलंगसाई पूरा निछाटिया जगार से जगह कोरोना समय मो स्वामी मो पाख को आसिले एवं सुधा भी आसुना पैसा भी गोटे दौना जी स्वल्प दरम चलुचे बहुत मानसिक आ दीर्घ दिन धरी मो ना चांदली पड़िया माधव भाई गोटे सांग मो स्वामी सांग बहुत आम घर सहित बहुत जड़ित पुह को पढ़ाऊ थी मत बहुत सारा पेपर में दीर्घ पांच दिन है लिखुं आम जो गोटे पेपर को मानने सोशियाल मीडिया मानने पेपर को आम कौन भावचे आमको गोटे से मानने ये देवे सुरक्षा देवे आमको न्याय देवे किंतु से ता बदल आमको मिलूची कौन गोटे फैमिली कथा को नहीं कि मोर फैमिली कोर्ट ऑलरेडी पड़ी से मत न्याय दरकार अगस्ट 27 तारीख रु एफआईआर आई नवेम्बर 27 रे भी देती कौन से कार्यकारी हो उल्टी सी मो विरुद्ध पेपर रे लिखी चलते दावी हूँ अमीय महांती की अरेस्ट कर अमीय महांती की अरेस्ट कर एफआईआर लिखिकी सहदेव खंडार ओडिशा खबर एडिटर आ मो स्वामी घनिष्ठ बंधु ताको जो भाया हरासमेंट कराऊ कौन सी प्रकार कही शुणु ना से एकुटिया गोटे छुआ धरिकिना निज स्वामी ता विरुद्ध आज ढाई तेणु मु चाहू न्याय मिलु तार फेक भिडियो बनईकिना तेनाटा कही स्वामी निज द्वार द्वारा बुल देखा मान चाकरी खाईदेवि एक रकम तार जीवन प्रति भी विपद तेणु मु चाहू मो भी को न्याय मिलू तार जीवन सुरक्षित रहू तार छुआ भी सुरक्षित रहू कौन कारण सी जानी थी ता हजबैंड जानी थी अरे सी तो डिवोर्स केस फाइल कर सारी कर सारापर भी ए जो भाया सी चलती एटा कौन ठीक कर माधव मोहन को लेकिन जो आम मान को भी इज्जत उछला होमें तीन भी माधव मोहन मो बापा मो बापा जिते थे मो बापा नहांती मो बापा जिते थे से मो बापा गोटे कांग्रेस नेता पुराणा नेता सीए माधव मोहन से चिन्ह आज नुह आधव मोहन केवल आम भाई दिए से भाई छड़ा आमर आउसी संपर्क ना आम भी समाज में रोच आमर भी गोटे मान इज्जत अच्छी आमर भी छुआ पा अच्छा ए घटना छस है मो बापा मरीगला स्वामी निहारकांति दास मो बापा चलीगला सी यही चलई तेणु सी जानीगला आमर कहीं ना तेणु से अग्रसर यह चलई निज स्त्री को सी दुनिया दंड नंगला कर ठिया कर घर कथा घर रे कौन से दंड दूसरी तरफ टीचर के शहर और न्यूज़पेपर के एडिटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस इल्जाम को सरे से इनकार किया है।
टीचर के शौहर ने कहा कि काफी दिनों से वो अपनी बीवी का जुल्म सहते आ रहे हैं और उनका दोस्त न्यूज़पेपर एडिटर उनका सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं, इसलिए गुस्से से टीचर साहिबा ये सब घटिया इल्ज़ाम लगा रही हैं। मोना निहरकांति दास हाँ ये कथा संपूर्ण मिछ संपूर्ण मिथ्या तेणु सी तो माने वीडियो भाइराल मुख्य अंशीदार एवं वर्तमान मो ऊपर सब दोष लदुच्छे जोटा कि सहदेव खुंटा थाना जोटा आम फांडी छक अच्छी से डीएसपी मनोज सारे से माने स्वीकार करचंती जे आमे आम दुई जन को सम्मति रे त माने से टोका ओ मो मिसेस तांको सम्मति रे वीडियो प्रस्तुत हेछि से जो पिला जी आर्त कबिराज रोड पिला ता ना आलोक द्विवेदी जो वीडियो वायरल बहुत दिन रहला त आज आपन के प्रेस मीटिंग प्रेस मीटिंग से डाकी मो विषय रे एवं मो सांग विषय रे जो ये करूची एवं मो नारे केस दउची से पई मु बाध्य होई सम्मानस्पद सांबादिक मानकु मु डाकी की मोर दुखटा जणाउची एवं मु न्याय चाहूची कोन न्याय चाहूची मु न्याय इति पई चाहूची जे मते शांति रे डिवोर्स दो आगे तो लागुची ये अभियोगटा 100 रु 100 मिछ ତାକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାହା ମିଛ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ାପା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ପିସା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତିନିଟା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସେମାନେ ତା ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଡିଭୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ସେମାନେ କଲେ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକି ଗଲେ ଜିଲ୍ଲା ନାରୀ ସଂଘରେ ପୁରୁଷ ହୋଇକି ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଥିରେ ମୋର ଜେସ୍ କ'ଣ ନାଇଁ 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 ମୋ ଖବର କାଗଜ ସେମିତି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିନି ନା 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 କିଛି ଆକ୍ଷେପ ବି ନୁହେଁ ନା ନା ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ମୁଁ କାହାରିକି ଦେଇନି ସେ କେମିତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ନା କଦଳୀ ମୁଁ ଖାଇନି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହଳଦିଆ ଦେଖାହଉଛି ନା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିହୀନ ମୁଁ ତ ଆଜି ଏତଲା ପଡ଼ିଲି ଆଜି ଜାଣିଲି ଏତଲା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି 2018 ମସିହା ନା 16 ମସିହା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିନି ଭଲ ଭାବରେ 2018 ମସିହାରେ ଆଜିକୁ ହେଲା ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଏତେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ତ ସେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ ଅଭିଯୋଗ କଲେନି ସହଦେବଗୁଣ୍ଡା ଥାନା ତ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ରିମିନାଲ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ହେ ତୁମ ଗାଲେ ହାତ ମାରିଲା କି ତୁମକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲା କି ଏସଲ୍ଟ କଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତ କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷରେ ପରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କାରଣ ମୁଁ ଏ ସାଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ପିଲାଟି ନିରୀହ ପିଲା ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ବି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପେଲେ ପିଲା ମୋର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଉ ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ତଦନ୍ତଟା ଭଲ ଭାବରେ ହଉ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହଉ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପୋଲିସ ମୋତେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକିକି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମୁଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଯିବି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କିଏ କରୁଛି ତାର ସଦର ଥାନାରେ ସେଇ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଅଲରେଡି ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି କେସ୍ ନମ୍ବର 237 ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସଦର ଥାନାର ଆଇଏସିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନୁହେଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯିଏ ସେ ତ ଅଲରେଡି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଛ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୁ କି ଯାହା ଦେଖାହଉଛି ସବୁ ହଳଦିଆ ଦେଖାହଉଛି।